Hey guys, welcome to the new video. So today in this video I am going to talk about JBMS MHRD course, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग की जो कल है JBMS का MHRD प्रोग्राम की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है फाइनली, एंड ये एग्जाम की डेट्स आउट हो गई है और कब कब आपकी JDPI की डेट्स है वो सब सारे आउट हो गई है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे और इस कोर्स में आपको JBMS में एग्जाम प्लस JDPI प्रिपरेशन दोनों आपको एक साथ मिलेगी, क्योंकि अगर आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अगर GDPI की प्रिपरेशन कर रहे हो दोनों आपको सेम में हो जाए, ठीक है। तो जो भी लोग चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है जो भी रिलेटेड तो आप लोग सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या क्या डिटेल्स हम लोग सारे जानते हैं आज, ठीक है। कि जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे जब लोग ग्रुप्स है यहाँ पे जरूर ज्वाइन हो जाना, और मैं एक न्यू ग्रुप बना दूंगा जब आप लोग सब ऐड हो जाओगे ठीक है कोर्स में। तो एक JBMS की MHRD की ग्रुप रहेगी व्हाट्सएप, वहाँ पे हम लोग सारे कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड वहाँ पे भी हम लोग जितने भी और इन्फॉर्मेशन है वहाँ डिस्कस करेंगे, और ये सब अगर आप ये सब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सब ग्रुप्स पे ज्वाइन हो सकते हो, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ओके हम लोग चलते हैं फाइनल नोटिफिकेशन की तरफ। ओके तो ये है जो नोटिफिकेशन आई है JBMS की तरफ से, ठीक है। एडमिशन नोटिस MHRD, ठीक है, मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, 2 ईयर्स का ये फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है। मैं बोलता हूँ ये एग्जाम अगर आप लोग देना चाहते हो तो दे सकते हो, ठीक है। लास्ट ईयर जब था, लास्ट ईयर तक ये एग्जाम जो MHRD प्रोग्राम है वो सिर्फ अपनी एग्जाम कंडक्ट कराता था JBIMS में, ठीक है। बट इस साल से ये कैट और सीईटी भी ले रहा था, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि जिन लोगों को अच्छा कॉलेज नहीं मिला 98-90% के ऊपर जिनका भी सीईटी कैट में है और जिनको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो ये उनका लास्ट चांस है इस बार कि आपको JBIMS में एक प्रेस्टीजियस कॉलेज में एडमिशन लेने का मौका है। आप इस प्रोग्राम के थ्रू आप JBIMS में एडमिशन ले सकते हो, और मैंने ऑलरेडी इस पे बना दी है यहाँ पे प्लेसमेंट ये सब क्या है वो सब वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हो इस कॉलेज के और इस प्रोग्राम के बारे में। और आपको लोग को पता है कि JBIMS कितना एक ब्रांड है, एक ब्रांड मिलता है आपको JBIMS का अगर आप इस कॉलेज में जाते हो तो, ठीक है। तो डिजिटल एप्लीकेशन फॉर्म इज ओपन, ठीक है, फ्रॉम 1 to 12 सितंबर, मतलब कल से ही ओपन हो चुका है, मतलब 1 सितंबर से, और 12 सितंबर तक ये स्टार्ट रहेगा 4 बजे तक, जो कि आप JBMS की वेबसाइट पर जाकर इसको भर सकते हो, ठीक है। और आपकी जो लिंक होगी द लिंक ऑफ डिजिटल, यहाँ पे जाकर भी आप लोग यहाँ पे लिंक पर क्लिक करके आप लोग जाकर भर सकते हो। ओके कैंडिडेट विल हैव टू पे 1500, 1500 इसकी टोटल फीस है, ठीक है, जो आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी, जो आप ऑनलाइन किसी थ्रू अप्लाई कर सकते हो। ओके यहाँ पे और बैंक डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है आपकी, ठीक है। और मैं बात करूँ, अब इम्पोर्टेंट डेट्स हम लोग ऑर्डर रखनी है। ओके JBMS एंट्रेंस टेस्ट सैटरडे आपको होगी 16 सितंबर को होगी, ठीक है, जो 2 बजे से 4 बजे तक होगी, ऑफलाइन मोड इन JBMS कैंपस में होगी, ठीक है। ये ऑनलाइन मोड नहीं होगी, ये आपको JBMS के कैंपस में जाना पड़ेगा जो मुंबई में है। आपको 2 बजे से 4 बजे तक आपकी एग्जाम होगी जो 16 सितंबर को होगी। इसका इन पर्सनल असेसमेंट आपकी होगी 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर को होगी, ठीक है, जो भी ये भी होगी आपकी ऑफलाइन मोड एट JBMS कैंपस में। उसके बाद यहाँ पे टेंटेटिव स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम जो होगी वो आपकी अक्टूबर से होगी, ठीक है। तो इन पर्सनल स्टेटमेंट असेसमेंट ये सब सारी डेट्स आ गई, 30 सितंबर 1 अक्टूबर से होगी, मतलब रिजल्ट आते ही आउट होते ही आपका सारा कुछ आपको सितंबर के मंथ में हो जाएगा, ठीक है, मतलब इस महीने में। और आपके जो एकेडमिक सेशन है वो आपकी मिड अक्टूबर नेक्स्ट मंथ से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, ये जो आपकी नोटिस लिखी हुई है ना, रेफर टू एडमिशन प्रोसेस फॉर पेज नंबर 4 फॉर द कैट कट ऑफ, कैट सीईटी कट ऑफ, इट इज मैंडेटरी फॉर एप्लीकेंट विद स्कोर लेस देन इन गिवन एग्जाम कैट और सीईटी अपीयर फॉर JBMS एंट्रेंस, एप्लीकेंट विद स्कोर इक्वल एंड इवन द सीईटी कैट कट ऑफ एट अपीयर फॉर JBMS एंट्रेंस एग्जाम, टेस्ट इफ टेक विज टेस्ट इफ दे विज द बेस्ट ऑफ 3 स्कोर्स शुड बी कंसिडर, ठीक है। सैलरी कंसिडर, देखो इसका मतलब ये है कि अगर आपका कैट या फिर सीईटी में आपका अच्छा स्कोर है, ठीक है, मानते हैं कैट सीईटी में आपका 97-98% है, ठीक है, बट बहुत सारे 99% भी वाले होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले उनको कंसिडर किया जाता है। ये हमेशा देखा गया है कि आप एक आईएमपी का एग्जाम देते हो तो मेनली जो आईएमपी कट ऑफ होता है वो 80% नहीं होता है, बट आपको कितना कट ऑफ जाता है, 99 जाता है, 99 पॉइंट समथिंग या 98 जाता है। तो उसी तरह इस एग्जाम का भी है, कट ऑफ तो इसकी कम है, ठीक है, 90% है यहाँ पे कैट और सीईटी का, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो आप लोग JBMS एग्जाम में ट्राई कर सकते हो, कहीं आपके यहाँ पे स्कोर अच्छा आ गया तो आप इसका स्कोर भी दे सकते हो। और ये आप कैट सीईटी
और जेमिया में उसका एंट्रेंस, तीनों को आपका जिसमें अच्छा स्कोर होगा वो इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अगर क्या सीईटी अच्छा है तो सीईटी को ही कंसिडर करें, ऐसा नहीं है। आपका जिसमें अच्छा स्कोर रहेगा आप तीनों वहां पे दे सकते हो, और जो भी तीनों में से एक अच्छा स्कोर रहेगा वो इसको कंसिडर करेंगे उस स्कोर को, या फिर कैट हो, सीईटी हो, या फिर जेमिया का एंट्रेंस एग्जाम। तो ये पूरा नोटिस का मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स दे दिया हूँ, ठीक है। और हम लोग एग्जाम के बारे में बात करें कि आपको सिलेबस यहाँ पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोग अभी तक सिलेबस भी नहीं पता रहता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी से वीडियो बना दिया हूँ, कुछ दिन पहले, 1 महीना आई थिंक हो चुका है उसका, 1 मंथ पहले। और मैं बात करूँ यहाँ पे सिलेबस की, जेबीएस में एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस होता है आपको 100 मार्क्स का ही होता है, जो आपके 101 मार्क्स ईच क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। इसमें आपको 5 सेक्शन मिलती है, 20 आइटम्स ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी जो पॉइंट होते हैं, जनरल एंड बिजनेस इन्वायरमेंट होती है जीए, ठीक है, जीके में होती है, 20 आइटम्स फॉर ह्यूमैनिटीज बिहेवियर एस्पेक्ट्स होती है, ठीक है, एंड 20 आइटम्स फॉर ग्रुप डायनेमिक्स होती है, ठीक है, और 20 क्वेश्चन आपको रहती है इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। तो ये 5 सेक्शन से आपको क्वेश्चन आएगी वहाँ पे, और जो एंट्रेंस टेस्ट होगी 0.25 नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो सिर्फ आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी और जीए में होगी, बाकी ये जो 3 सेक्शन है उसमें आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सिर्फ 2 सेक्शन ऐसी है जीए और न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें आपको 0.25 डिडक्ट हो जाएगा अगर आप कुछ गलत करोगे, ठीक है। टू क्वालिफाई फॉर इन प्रोसेस स्टेटमेंट असेसमेंट, ए कैंडिडेट मस्ट स्कोर मिनिमम 50 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी और मिनिमम 40 मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी। मतलब आपको अगर इंटरव्यू राउंड के लिए जाना है तो आपको मिनिमम जो 50 मार्क्स है वो आपको क्लियर करने पड़ेंगे जेमेस एग्जाम के लिए, ठीक है, तभी आप इंटरव्यू में मतलब एलिजिबल हो पाओगे। मैं ये नहीं बोला क्वालिफाई आ जाएगा, ऐसा नहीं है। और आप 45% फॉर रिजर्व कैटेगरी जो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो महाराष्ट्र से, ठीक है। मैं इसको जो बेसिकली यहाँ बता दू जी, मैं इसका प्रोसेस क्या होने वाला है, पहले एप्लीकेट्स को ऑफ द एस्पिरेंट यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ फिल की जाएगी, रिटन टेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है, जेवीएस के थ्रू है या फिर कैट या सीईटी के थ्रू, इसका मेरिट लिस्ट यहाँ बनेगी और रिटन टेस्ट स्कोर, ठीक है। यहाँ पे 300 एप्लीकेट्स आते हैं, ठीक है, और इसमें से बहुत ही कम 30 सीट्स पे रहती है, ठीक है, कि बहुत सीट्स कम है, उसके हिसाब से यहाँ पे एप्लीकेंट्स को मेरिट लिस्ट बनती है। उसके इन पर्सन स्टेटमेंट असेसमेंट होती है, जीए बी आई बैट होता है। उसके बाद इनलिस्ट ऑफ 300 मेरिट कैंडिडेट्स में से आपको बहुत सारे डिस्कालीफाई भी होते हैं, ठीक है, अगर यस हुए तो ठीक है, नीचे जाएंगे कंपटीशन ऑफ टोटल स्कोर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट एंड डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड टू द प्रोग्राम। तो जिसमें जिनका क्वालिफाई होगा एप्लीकेंट सिलेक्ट होंगे, जिनको नहीं होगा 300 में से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जो ठीक है, सबका मतलब सारा ओवरऑल स्कोर ये सब देखकर, ठीक है, जैसे जी ए पी आई बैट और जीमेंस एंट्रेंस एग्जाम को देखकर, ठीक है। तो ये मेनली प्रोसेस होता है। अब मैं बात करूँ अगर कोई कोर्स आप लोग देख रहे हो, कोई कोर्स में अगर आप लोग स्ट्रक्चर प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, आज से लेकर 15 तारीख तक, क्योंकि हम लोग की 16 को एग्जाम है, तो आप लोग वहाँ कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल मेंटरशिप मिलेगी वहाँ पे भी। तो ये है हम लोग की एक हम लोग प्रोग्राम लॉन्च किए, क्योंकि बहुत सारे को देखा है मैंने कि अगर वो लोग मेंटरशिप में रहते हैं तो उन लोगों की एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी चलती है, ठीक है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सभी लोग ये कोर्स में एनरोल हो, जिनको जरूरत है, जिनको नहीं हो पा रही प्रिपरेशन वो लोग करो, ठीक है। यहाँ पे आपको 14+ लाइव टीचमेंट क्लास फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी मिल जाएगी। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बेसिक से ही मैं पढ़ाने लगूंगा, यहाँ पे आपको, यहाँ पे ऐसा है कि आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो वहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा, मॉडर्न पढ़ाऊंगा, यहाँ पे जो आपको कहीं से भी जितने भी क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ पे सारे डिस्कस करूंगा लाइव क्लास में, और आपको सेट दूंगा जो आप सेट बना के लाओगे, ठीक है। हर दिन ये क्लास होगी क्योंकि अभी हम लोग के टाइम बहुत कम है, ठीक है। जितने भी होंगे लाइव क्लासेस होगी, 10+ लाइव क्लास टीचिंग फॉर जीए, फिर यहाँ पे आपको ह्यूमन बिहेवियर की भी आपकी क्लास मिल जाएगी, और आपको ग्रुप डायनेमिक्स और इंडिविजुअल बिहेवियर की भी यहाँ पे आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। और 20+ रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, कॉन्ट्स की, और आपको डेडिकेटेड पोर्टल यहाँ पे दिया जाएगा जो आप एक्सेस कर सकते हो। और 5+ आपको यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेशन रखेंगे एमसीक्यू की, ताकि आपकी एक्सटेंशन प्रैक्टिस हो पाए। और यहाँ पे इस कोर्स में आपको जीडी में भी इंक्लूड है, ठीक है, जीडीपीआई के और बैट की भी इंक्लूड है, जहाँ पे आपको 4 पर्सनल इंटरव्यू सेशन होगी, 5 डे इन वीक आपको एक्टिविटी सेशन होगी, और 3 वैट सेशन होगी, ठीक है। तो अगर आप ये कोर्स लेते हो तो आप जेबीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो और जीडीपीआई कर सकते हो, ठीक है। और ये कोर्स की वैलिडिटी भी वो 3 अक्टूबर तक रहेगी, और ये कोर्स की प्राइस 499 है, पहले इसकी 1000 थी, एंड ये कल से स्टार्ट हो रही है, न्यू कोर्स जो है हमारी, ठीक है। पहले हम लोगों ने लॉन्च किया था बट उस टाइम बंद कर, क्योंकि नोटिफिकेशन आउट नहीं हुई थी, बट हम लोग की अब कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी लोग ज्वाइन होना चाहते हो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है मेरे व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, तो वहां पे कर सकते हो, इस नंबर पे कॉल कर देना, ठीक
ठीक है, या फिर व्हाट्सएप कर देना, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। एंड हम लोग जीडी में एक कोर्स भी बहुत फेमस है, ठीक है, ये है जीडीपीआई की, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये सब सारे कन्वर्ट्स हम लोग के आई एम सारे टॉपर्स यहाँ पे कन्वर्ट है, ये सब हम लोग इस साल की है, ये सब भी देख सकते हो रिव्यू, आई एम लखनऊ ये सारे कॉल है, ओके। और ये भी रिव्यू है, व्हाट्सएप पे है, ठीक है, ये भी है, स्क्रीनशॉट है सारे यहाँ पे, ओके, ये सब सारे स्क्रीनशॉट है। आई थिंक आप लोग वीडियो बहुत पसंद आए, ये था आज का हम लोग कोर्स, और जल्दी से इनरोल हो जाओ, कल से हम लोग की स्टार्ट होने वाली कोर्स, एंड ग्रुप्स में जोड़ ज्वाइन हो जाना यहाँ पे, ठीक है। और आई थिंक आप लोग को वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी, ठीक है, अब चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।